हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल एस के चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने वीवो के किसी भी मोबाइल में व्हाट्सएप को डार्क मोड में कैसे इनेबल कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आपको मैं बताऊंगा वो यही बताऊंगा कि आप अपने वीवो के कोई भी, चाहे वीवो का कोई भी फ़ोन हो, उसमें आपको व्हाट्सएप को डार्क मोड इनेबल कर सकते हो बिना रूट के, बिना एंड्रॉयड पाई वर्जन के। चाहे आपके फ़ोन में डार्क मोड आया हो या नहीं आया हो, आपका जो व्हाट्सएप है वो डार्क हो जाएगा। तो यार, आज की इस वीडियो में आपको मैं कुछ स्टेप बताऊंगा जो कि आपको फॉलो करने हैं। तो यार, वीडियो को स्किप मत करना और एक भी स्टेप को मिस मत करना, जिससे कि आपका पूरा जो व्हाट्सएप है वो डार्क हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा ओनली वीवो के मोबाइल में। तो यार, वीडियो को स्किप मत करना। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा कि यार, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है कि मैंने दो फाइलों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद में एक तो फाइल मैनेजर है, दूसरा है एक फाइल है ITZ फाइल, ठीक है। उस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। और करने के बाद में आपको फाइल मैनेजर को तो ओपन करना है, और ओपन करने के बाद यार कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इंस्टॉल कर लोगे जब आप फाइल मैनेजर, यहाँ पर जाना है 3 लाइन पर। सबसे लास्ट में आपको शो हिडन फाइल्स, ये देख सकते हैं यहाँ पर शो हिडन फाइल्स शो हो रहा है, ये ऑफ रहता है, इसको इनेबल कर लेना है। उसके बाद में अपने फ़ोन में जाना है, जहाँ पे आपकी जो फाइलें डाउनलोड हुई है वहाँ जाना है। वहाँ पे आपको ITZ फाइल मिल जाएगी, मैंने बैकअप में कर रखी है, बैकअप रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये वाली फाइल मिल जाएगी जिसका नाम है व्हाट्सअप डार्क, ठीक है। आपको इसको कॉपी करना है और बैक हो जाना है। बैक होने के बाद गाइस आपको यहाँ पे देखना है DWD का फोल्डर, ये हैगा। इसमें जितने फोल्डर आते हैं सारे फोल्डर को आपको ओपन करते जाना है गाइस। जब यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि 5 फोल्डर आ चुके हैं, तो यहाँ रुक के टी वाले फोल्डर में इसको पेस्ट कर देना है, उसके बाद कट कर देना है, फिर अपने जो एप्लीकेशन से क्लोज कर देना है सारी की सारी स्पीड अप, ठीक है गाइस। और अपना iThemes को फिर से ओपन करना है, एक बार फिर से क्लोज करना है, फिर से ओपन करना है। उसके बाद में गाइस आप क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आप अपने लोकल थीम्स में जाएंगे, ठीक है गाइस। लोकल थीम्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको ये वाली जो थीम्स है यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। इसको सिंपल तरीके से आपको अप्लाई कर लेना है। ये जो थीम्स मिलने वाली आपको वीवो G1 प्रो वाली मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, वीवो G1 प्रो जो मोबाइल है उसका लुक आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा पूरा का पूरा। बट हमारा जो मकसद है वो है व्हाट्सएप को डार्क करना, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यार अभी आप देख सकते हैं आइकन वगैरह सारे आपको कुछ इस टाइप के मिल जाएंगे, सारी चीज़ें डायलर वगैरह भी आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा जैसा कि आपका होगा, ठीक है। बट मैं जो मेन वो है वो हमारा व्हाट्सएप डार्क करने का, तो मैं आपको व्हाट्सएप दिखा देता हूँ। तो यार व्हाट्सएप आप देख सकते हैं कि मेरा जो व्हाट्सएप है, मैं व्हाट्सएप ओपन करता हूँ तो गाइज देख सकते हैं और फुल डार्क है। और गाइज मैं आपको बता दूँ, कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि ऑफिशियल व्हाट्सएप नहीं है। तो यार मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ कि प्ले स्टोर में जाकर यहाँ पर मैं आपको व्हाट्सएप सर्च करता हूँ, और यहाँ पे मैं व्हाट्सएप सर्च करता हूँ लाइव, और इसको ही मैं आपको ओपन करके दिखाऊँ। तो आप देख सकते हैं ये जो मेरा व्हाट्सएप है ऑफिशियल व्हाट्सएप है, और मैंने कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ नहीं की है, और आपका जो ऑफिशियल व्हाट्सएप है वो डार्क हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं कोई भी मोड खोले सारी जगहों पर आपको डार्क मोड मिलने वाला है। आप देख सकते हैं कहीं भी आपको किसी टाइप का कोई भी फीचर्स नहीं देखने को मिलेगा, सारा कुछ आपको यहाँ पे डार्क देखने को मिलने वाला है। आप चाहे किसी को भी कुछ भी मैसेज करो, वो सारा कुछ आपको डार्क में ही नज़र आने वाला है गाइज, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इस ट्रिक से आप अपने व्हाट्सएप को जो है डार्क मोड में इनेबल कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, और बहुत ही आसानी से सिर्फ और सिर्फ वीवो के मोबाइल में। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी गाइज। अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।